सो गुड मॉर्निंग टू ऑल फाउंडर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत सारी गुड न्यूज भी बहुत ही जल्दी हम सब लोगों को मिलने ही वाली हैं, और पिछले कई दिनों से तो गुड न्यूज तो मिलती चली जा रही है और स्टेप बाय स्टेप कंपनी आगे भी बढ़ती चली जा रही है। हमें अगले फेज में जाने के लिए हमें पहले अपना पिछला वाला फेज भी तो पूरा करना होता है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे हाथ में होती हैं। अगर हम जितना ज्यादा लेट करेंगे, जितना ज्यादा हम अपने काम को करने में देरी करेंगे, उतना ही जल्दी नहीं बल्कि उतनी ही देर में हम अगले फेज में एंटर हो पाएंगे। बहुत सारे अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को एक मैसेज आ रहा है उनके ओमेल इकोसिस्टम के अंदर, जब वो ओमेल के ऊपर क्लिक करते हैं कि अनरजिस्टर करके एक मैसेज आ रहा है, यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड। तो इस टाइप का मैसेज क्यों आ रहा है? आपका जो बैक ऑफिस है उसके अंदर जो ओमेल आईडी आपकी लिखी हुई है वो आप चेक करिए, उसके बाद आप जिस ओमेल आईडी से अपना इकोसिस्टम ऑन कर रहे हैं वो आपकी ओमेल आईडी कौन सी है। अगर वो ओमेल आईडी एक जैसी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो ओमेल आईडी अलग अलग है तो यहाँ पे आपको ये मैसेज 100% आएगा ही आएगा। अगर आपकी दोनों ओमेल आईडी बिल्कुल सेम है, आपके बैक ऑफिस में ओमेल आईडी लिखी है और उसी ओमेल आईडी से आप अपना इकोसिस्टम भी ऑन कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक टेक्निकल इश्यू भी हो सकता है जो आगे चल के खत्म हो जाएगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो के लिए। दोस्तों मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ पे आज मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ, आपको एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सोचा कि मैं दे दूं आपको। ओ कनेक्ट के बारे में बहुत सारे लोग परेशान हैं ओ कनेक्ट को लेकर के। जी हाँ, बहुत सारे लोग परेशान हैं ओ कनेक्ट को लेकर के। बहुत सारे लोग क्यों हुई, मैं भी परेशान हूं, मुझे भी चाहिए ओ कनेक्ट, मुझे भी यूज करना है, मुझे भी वेबिनार्स को जो है, बहुत सारे जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, हमें भी जूम को बाय बाय करना है अपने। भाई जब हमारे पास प्रोडक्ट होगा तो हम अपने प्रोडक्ट को यूज करेंगे, अपना ही सामान इस्तेमाल करेंगे हम, जिससे कि उसकी और ज्यादा जो एक अथॉरिटी होती है इंटरनेट के ऊपर, जो क्लिक थ्रू रेट होती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो हम अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो पहली चीज तो ये है कि अभी हमें जो कई दिनों पहले डेट मिली थी, अगर वो डेट उस समय पे अगर हमारा वो कनेक्ट नहीं आ पाया है तो इसमें कोई भी ज्यादा घबराने की, पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज टेक्निकल फील्ड में ऐसा कभी कभी चलता रहता है। लेकिन आपको ये भी नहीं सोचना है कि ये नहीं आएगा। अगर 5 तारीख को नहीं आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो देरी है, कुछ ना कुछ तो काम चल रहा है। अगर काम चल रहा है तो वो हमारे भलाई के लिए चल रहा है, अगर कुछ ना कुछ काम चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसको और ज्यादा अच्छा बनाने पर ही काम चल रहा है। जितना देरी से आ सकता है, हो सकता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग तरीके से आए, उसमें कोई ना किसी भी टाइप की कोई भी कमी का आभास हमें ना हो। छोटी मोटी कमी हो सकता है वो निकले, लेकिन किसी भी एक ऐसी कमी का बिल्कुल भी हमें एहसास ना हो कि यार ये बहुत बड़ी कमी है, इसकी वजह से हम बिल्कुल भी मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कमी बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए। क्योंकि ये सबसे बड़ी कमी होती है, मीटिंग करने के दौरान अगर कोई भी वहां पे फॉल्ट निकलता है तो ये सबसे ज्यादा हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी इंसल्ट भी महसूस होती है कंपनी के लिए। तो बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अगर डेट पे डेट अगर डेट नहीं आई है तो बस कभी ना कभी तो हमारे पास वो आने ही वाला है, चाहे वो भले ही हो सकता है हमारे पास 6 दिन में आ जाए, हो सकता है वो 1 हफ्ते में आ जाए, हो सकता है वो अगले नए साल में आ जाए, जब भी आएगा लेकिन पूरी तैयारी के साथ आएगा। काश शब्द का इस्तेमाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा था, एक तो एक बंदे ने कहा था कॉल करके, सर बहुत टाइम हो गया इस ऑन पैसिव के अंदर, काश अगर मैं अपना वही काम कर रहा होता तो आज मैं इतना पैसे कमा लेता, आज मैं ये कर लेता, आज मैं वो कर लेता। तो मैंने उनसे कहा कि काश आप आज ऑन पैसिव में नहीं होते तब आप क्या कर लेते, काश आज आप ऑन पैसिव में हैं और आने वाले टाइम में ये बहुत तेजी से रन करेगी तब आप इसको भूल जाएंगे, काश आप आज ऑन पैसिव में नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते, आप कितना ज्यादा पैसा कमा लेते। तो यहां पे सब कुछ, पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। यहां पर टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहां पर जिस रेट से जितने दिनों में आज फेसबुक, यूट्यूब और भी बहुत सारे जो हमारे टेक्निकल एप्लीकेशन है वो आज अच्छी तरीके से रन कर पा रहे हैं ना, उसी प्रकार से यहां पर भी बहुत सारे हमारे आने वाले समय में ये प्रोडक्ट आम लोगों के बीच में होंगे, फिर आप सब कुछ भूल जाओगे। क्योंकि एक बात कही जाती है कि अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि अंत में अगर सब कुछ अच्छा हो जाता है तो हम पुरानी बातों को सब कुछ भूल जाते हैं।
मैं आपको एक चीज बता दूं, बीटा टेस्टिंग में हमारा ओ कनेक्ट चल रहा है। बीटा टेस्टिंग का मतलब जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं, जहां पर इसको बनाया जा रहा है वहां पर हमारे टेक्निकल स्टाफ के अंदर इसको टेस्ट किया जा रहा है, और उसके बाद ये अप्रूवल के लिए जब हमारे एसआर इसको पूरी तरीके से अप्रूव कर देंगे, उसके बाद ये हमारे इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगा, फिर हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। क्योंकि अल्फा बीटा ये सब टेस्टिंग तो होती है, क्योंकि ये टेस्टिंग बहुत जरूरी भी होती है। आप सभी लोग सफल हो चुके हैं, इस बात पे आप अपना माइंडसेट बना लो, बिल्कुल आप 100% सफल हो चुके हैं। बिकॉज वी आर इन अ रियल बिजनेस, वी आर रियल फाउंडर एंड अवर सीईओ मिस्टर एस मुफारे इज अ रियल पर्सन, अवर टेक्निकल टीम इज अ रियल टीम। यहाँ पे सब कुछ रियल है। हमारा हैदराबाद के अंदर इतना बड़ा ऑफिस है, बुर्ज खलीफा में इतना बड़ा मार्केटिंग कैंपेनिंग, उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप के अंदर इतना बड़ा मार्केटिंग कैंपेनिंग, इसके बाद हैदराबाद के अंदर हमारे जो है इतना बड़ा ओ मीडिया, मीडिया को लेकर के बहुत सारी चीजों को लॉन्च किया गया, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। उसके बाद जो जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको समय समय पे रिवॉर्ड भी दिए जा रहे हैं। तो ये सब किसके सिंबल है? ये सब हमारे एक रियल एंड ऑथेंटिक कंपनी के ही सिंबल है। आज जो लोग अपने हैदराबाद ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, क्या वो एक गलत कंपनी के अंदर काम करेंगे? क्या वो अपना सिर्फ टाइम पास करेंगे? क्या वो एक गलत कंपनी के अंदर काम करके अपने करियर को खराब करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको माइंडसेट बिठा लेना चाहिए कि हम पूरी तरीके से जीत चुके हैं, और जब कभी भी हमारे पास ये बहुत ही कम समय लगेगा, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब ये 2024 निकल गया, वो निकल गया क्योंकि 2022 जो निकल रहा है, थोड़े बहुत दिन रह गए हैं, वो निकल रहा है। लेकिन 2022 में बहुत कुछ था ना, फाउंडरशिप भी चल रही थी, उसके बाद हमारा बहुत सारे काम चल रहे थे, बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग भी हो रही थी, ये सारे काम चल रहे। अब तो सारी ज्वाइनिंग एक हमारे दो काम तो पूरी तरीके से खत्म हो गए। एक तो फाउंडरशिप खत्म हो गई, उसके बाद पेंडिंग फाउंडरशिप खत्म हो गई, उसके बाद हमारा इकोसिस्टम भी आ गया, हमारा ओमेल भी बन गया। ये काम तो हमारा खत्म हो ही गया। अब हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आएंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट कैसे होंगे? वो सिर्फ हमें ओमेल डालना है, यूज करना है, ओमेल डालना है, यूज करना है, खरीदना है, रीसेल करना है, खरीदना है, रीसेल करना है, बस यही सारा काम रह गया है, यही सारा काम हमें करना है। कोई व्यक्ति अब फाउंडरशिप में तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो अब सब कुछ फिनिश हो चुका है। तो हम सब लोगों की जीत तो हो ही चुकी है, हम सब लोग जो है विन विन सिचुएशन में हो ही चुके हैं। और बड़ी सफलता अगर हम सब लोगों को पानी होती है, आप एक बड़ी सफलता के अंदर हैं, इस बात को ध्यान रखो, छोटी मोटी सफलता के अंदर नहीं है, एक बड़ी जीत के अंदर है। तो बड़ा समय भी लगता है, एक ताजमहल को बनने में भी 22 साल लग गए थे, लेकिन यहाँ पे तो किसी भी प्रोडक्ट को बनने में 22 साल लगे ही नहीं है, अभी कंपनी को भी 22 साल नहीं हुए। जिस दिन कंपनी को 22 साल हो जाएंगे ना, उस दिन तो दुनिया में धमाल हो रहा होगा और आप चैन की नींद सो रहे होंगे, आपके पास पैसिव इनकम जनरेट हो रही होगी। आप सोच के देखो, केवल अभी तो 2025 भी नहीं आई है, 2025 के बाद देखना यहाँ पे कितना बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। 2025 के बाद यहाँ पे पेड जो प्रोडक्ट होंगे ना, यही अपने आप में आपको बहुत ही ज्यादा ऊपर तक ले जाने में अपनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। पेड प्रोडक्ट जितने भी होंगे सभी लोग उसको खरीदेंगे, सभी तरफ से इनकम आएगी, एक नहीं बल्कि यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे। हमारे पेड प्रोडक्ट भी होंगे, फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, और भी कई माध्यम होंगे यहाँ पर हमारी इनकम को पाने के, जो अभी हमें नहीं पता है। तो जब हर तरफ से अगर कुछ ना कुछ इनकम बन रही होगी, तो आपकी एक वॉलेट में जाकर के इकट्ठी हो रही होगी, फिर आप देखना कि एक महीने में वो कितनी इनकम बन जाती है। तो यहाँ पे एक एक बूंद करके घड़ा भी भरेगा। तो आप बिल्कुल निश्चित रहें, ओ कनेक्ट को लेकर के अपडेट जो भी आने वाली है, अभी यही अपडेट है कि वो बीटा टेस्टिंग में चल रहा है, जो भी उसके ऊपर कनेक्टिविटी जारी है और उसका जो भी टेस्टिंग जारी है, वो पूरी तरीके से जैसे ही फाइनल हो जाता है वो हमारे पास 100% जरूर आएगा, और विद पैकेज के साथ आएगा। और जैसे ही पैकेज आएगा, वो पूरे जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, उन सभी फाउंडर्स, सभी कस्टमर, सभी और हमारे ब्रांड एम्बेसडर जो है, सभी ग्राहक तो है ही, सभी हम सब लोग, वो सभी लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, सभी लोग तैयार बैठे हुए हैं लेने के लिए। और उसके बाद उसकी जो लिंक आएगी, वो लिंक भी हम लोगों को शेयर करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर जो भी शर्तें होंगी वो हमें सारी शर्तें मंजूर भी होने वाली हैं। उसके बाद अगला कदम
अगली बार देखा जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ एक और नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर इन इट टू विन इट।